किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन इंसाफ जबरदस्त करती है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदा आपका भला करे और आपकी झूलिया ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक ऐसी कहानी जो आपको इस बात पे सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या ईश्वर इंसाफ करते हैं। ये कहानी एक व्यक्ति के जीवन की है जो सुबह अपने काम पे निकल ही रहा था, तभी उसके घर में एक हलचल सी होती है, जैसे कोई अप्रत्याशित अनहोनी घटना घट गई हो। वो व्यक्ति बैठक में गया तो वहां उसके स्वर्गीय पिता के परम मित्र के बेटे अग्रवाल जी, जो उसके परिवार के साथ बैठे हुए थे, बड़े परेशान थे, माथे पे बल था। विगत 80 वर्षों से उसके और अग्रवाल जी के परिवार के पारिवारिक मित्रता के संबंध रहे और उनकी जो पीढ़ियां थी उसमें भी बड़ा अकूत धन संपत्ति थी। मूलतः जो इनका खानदान था वो ब्याज पर धन देता था और इसके आवज में लोगों से मकान दुकान गिरवी रख लिया करता था। अब 20 सालों से सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम भी करते थे इनके शहर में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया बहुत घमंड बढ़ गया। यहाँ तक कि पिछले 10 सालों में इन्होंने कभी भी इनके घर की ओर झांक कर भी नहीं देखा। और कितनी बार इसके मन में हुआ कि चलो मिलके आते हैं, लेकिन उनके घमंड उनके पैसे के आगे वो भी झुक गया। लेकिन आज उस व्यक्ति की ऐसी अस्त व्यस्त दशा देखकर उससे रहा नहीं गया। जैसे ही वो घर से गए उसने अपनी माँ से पूछा, माँ सब कुशल मंगल है ना, ये भैया आज इतनी सुबह कैसे आ गए, ये तो कभी 10 साल हो गए हमारे घर भी नहीं आए, कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तब उसकी माँ ने जो उन्हें बताया उससे वो घोर आश्चर्य में पड़ गया। उसने बताया कि पिछले 5 सालों से शेयर बाजार में बुरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, करीब 20 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। इसके अलावा इन्होंने जो नगर निगम से जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसे तो इन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन उसके काम का जो भुगतान होना था वो कमिश्नर ने रोक दिया, जिससे इनको बहुत बड़ा झटका लगा। इसके अलावा अपने कामों को पूरा करने के लिए इतने बड़े सेठ को बाजार से सूदखोरों से 40 लाख रुपए उधार लेने पड़े और अब वो 40 लाख रुपए का जो ब्याज है वो बढ़ते बढ़ते 80 लाख हो गया। अब इनके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे, इसलिए अब ये अपना आलीशान मकान बेच रहे हैं। अब इस बात के बाद उस लड़के को एक अजीब सा झटका लगता है, लेकिन माँ ने जब उसकी आगे एक और बात बताई तो उसे और झटका लगता है और ऐसा आश्चर्य होता है जिससे उसे ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ईश्वर होता है। माँ ने बताया कि आज से करीब 50 साल पहले एक गरीब बूढ़ी महिला ने इनके पिताजी से 40 रुपये उधार लिए थे और उसके एवज में अपनी चांदी की मोटी पायल झुमके चैन आदि इनके पास गिरवी रखे थे। वो बूढ़ी माँ ने खून पसीना एक एक करके 3-4 सालों में 40 रुपये ब्याज उसका चुका दिया था, लेकिन अग्रवाल जी के मन में तो चोर समाया था। झूठे हिसाब किताब बताकर जबरन ब्याज बढ़ाते रहे और आखिर में उसके जेवर देने से साफ मना कर दिया। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद वो बूढ़ी माँ थक गई, क्योंकि इनका जो घर था वो उनके पास ही था और नई नई शादी करके आई थी। तो जब वो बूढ़ी माँ को उनके घर से निकलते हुए फूट फूट कर रोते हुए देख रही थी तो रोते रोते उस बूढ़ी माँ ने ये बात इनको बताई थी और बोला था कि जा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, मेरे 40 रुपए तेरे कण कण से निकलेंगे, नहीं चाहिए मुझे मेरा जेवर, अब तू ही इसे रख ले और तेरी तबाही का कारण मेरे ये जेवर ही बनेंगे। और उसके 2 दिन के बाद वो बूढ़ी मैया इस दुख से चल बसी। वो 40 रुपए थे जो आज 50 सालों में 40 लाख मूलधन और 40 लाख ब्याज होकर 80 लाख हो गए और उन 80 लाख की वजह से अग्रवाल जी के जीते जी मरने वाली हालत हो गई है बेटा। अब ये बात सुनकर वो अवाक रह गया और आज उसे इस बात पे विश्वास हो गया कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और जब वो न्याय करता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता है।